आई दोस्तों, एडवेंचर्स ऑफ सुपर बडी एंड मिस एम में थीम कैट्स एंड डॉग्स एपिसोड 2 में आज जानते हैं कि कैट्स और डॉग्स कहाँ रहते हैं। कल के एपिसोड 1 में हमने ये जाना कि कैट्स एंड डॉग्स के स्पेशल फीचर्स क्या हैं जिसकी वजह से वो ह्यूमंस के साथ यानी कि मनुष्यों के साथ उनके पेट बनकर रहते हैं। आज समय है जानने का कि कैट्स और डॉग्स के घर कैसे होते हैं। शाम का समय है, सुपर बडी मिस एम के साथ एक बढ़िया सी शाम पार्क में खेलने कूदने के बाद घर की ओर जा रहे हैं और सुपर बडी देखते हैं रास्ते में एक डॉग पैदल चला जा रहा है। मिस एम, देखिए सब लोग अंधेरा होने पे अपने अपने घर चले जाते हैं। हाँ सुपर बडी, देखो ये पंछी भी उड़कर अपने घर की तरफ यानी कि घोंसलों की तरफ जा रहे हैं। मिस एम, मैं ये सोच रहा हूँ कि कैट्स और डॉग्स ये कहाँ रहते हैं? क्या इनका भी परिवार होता है जैसे हमारा परिवार होता है? और क्या इनका भी घर है जहाँ पे ये जाकर रहते हैं? हाँ सुपर बडी, मुझे लगता है तुम ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हो क्योंकि तुम्हारा क्यू मीटर भी लो लेवल दर्शा रहा है। हाँ मिस एम, मैं और मेरे दोस्त ये जानना चाहते हैं कि कैट्स और डॉग्स कहाँ रहते हैं, क्या इनके भी घर, कमरे, बेड्स यानी कि बिस्तर जैसे हमारे होते हैं वैसे होते हैं? तो श्योरली सुपर बडी, ये हमारा क्या हो सकता है, अगला एडवेंचर। सो व्हाट डू यू से? लेट्स अनलीश द पावर ऑफ क्यूरियोसिटी। सुपर बडी, चलो शुरुआत करते हैं। ये बताओ मुझे कि तुम कैट्स और डॉग्स के नेचुरल हैबिटेट यानी कि प्राकृतिक आवास के बारे में क्या जानते हो? क्या उसके बारे में तुम हम सबको कुछ बताना चाहोगे? क्यों नहीं मिस एम, मैंने बहुत से घरों में देखा है कि पेट कैट्स और डॉग्स ह्यूमंस के साथ रहते हैं उनके घरों के अंदर और उनके सोफे पर सोते हैं या कारपेट पे, और कई बार तो मैंने कुछ कैट्स और डॉग्स को उनके बेड पे भी सोते देखा है। हाँ सुपर बडी, कुछ पेट्स और डॉग्स ह्यूमंस के साथ मनुष्यों के साथ उनके घर के अंदर रहते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने पेट्स के लिए एक अलग से घर बनाते हैं। जब वो डॉग्स के लिए बनाते हैं तो उसे केनल कहते हैं और जो कैट्स के लिए बनता है उसको कैटरी कहते हैं। कितने अच्छे हैं ह्यूमंस, अपने पेट्स के लिए घर बनाते हैं ताकि वो उनके साथ खेल भी सकें और जब उन्हें एकांत चाहिए तो वो अपने कमरे या अपने घर में जाकर अलग से भी रह सकें। हाँ सुपर बडी, बहुत से पेट्स अपने ह्यूमंस के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद, समय व्यतीत करने के बाद खाना खा के सोने और आराम करने के लिए अपने अपने केनल या कैटरी में चले जाते हैं। मैंने देखा है कैट्स एंड डॉग्स बहुत बार वही खाना खाते हैं जो हम मनुष्य ह्यूमन खाते हैं, क्या वो उनके लिए सेफ है? कैट्स एंड डॉग्स कुछ चीजें तो खा सकते हैं मनुष्य वाली, लेकिन बेहतर ये होगा अगर हम उन्हें खाना जो उनके लिए अच्छा है, उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है वही दें। जैसे कि डॉग्स के लिए अच्छा है मीट, एग्स, एप्पल्स, और कैट्स के लिए मिल्क, फिश और रैट्स। मैंने ये भी देखा है मिस एम कि जो कैट्स और डॉग्स हमारे पालतू नहीं होते हैं वो सड़कों पर भी रहते हैं और कई बार तो उनकी बड़ी ही दयनीय स्थिति होती है और मुझे देखकर बहुत दुख होता है। तुम्हारी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है सुपर बडी, ये कैट्स और डॉग्स हमारे पालतू तो नहीं होते हैं लेकिन ये मनुष्यों के साथ ही रहते हैं। हाँ मिस एम, मुझे लगता है कि ये डॉग्स जो पालतू नहीं है, हमें इनके प्रति बहुत ही काइंड होना चाहिए, हमें इनके ऊपर दया करनी चाहिए और इनकी मदद करनी चाहिए। जब हो सके हमें उन्हें खाना खिलाना चाहिए और कभी भी उनको मारना नहीं चाहिए। हाँ सुपर बडी, अगर आपको कैट्स या डॉग या किसी और जानवर से डर लगता है तो आप उससे दूर रहें, उसके पास न जाएं। मिस एम, इस सब बातचीत के बाद हमारा मन कर रहा है कि जो सड़क के किनारे डॉग्स और कैट्स रहते हैं क्या हम उनके लिए घर बनाएं? ये बहुत ही देखभाल करने वाला विचार है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। हमें इसके लिए चाहिए मटेरियल्स, एक पुराना गत्ते का डिब्बा, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, ब्रशेस पेंट करने के लिए, सेलो टेप चिपकाने के लिए, पेंट पेंट करने के लिए और एक कैंची यानी कि सीजर काटने के लिए।
ये देखिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिख रहा है, जिसको देखकर फॉलो करके आप कैट्स एंड डॉग्स के लिए एक घर बना सकते हैं। ये बहुत मुश्किल तो नहीं लग रहा मिस एम? आइए हम लोग मिलकर कैट्स या डॉग्स के लिए एक घर बनाते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा घर तैयार। थैंक्स अ लॉट मिस एम। जब हम जानते हैं कि एक कैट या डॉग के लिए घर कैसे बनाया जा सकता है, तो अब हम घर जाकर एक एक घर बनाकर कैट और डॉग दोनों के लिए अपने घर के बाहर रख देंगे। हाँ, और उनके लिए साथ में खाना रखना मत भूलना दोस्तों। देखो तुम्हारा क्यू मीटर अपने टॉप लेवल को छू गया है। थैंक यू दोस्तों। लर्नर्स कैट्स और डॉग्स के बारे में क्या जानते हैं, ये जानिए उनके साथ डिस्कशन में, और उनसे पूछिए कि वो लोग क्या जानते हैं। कैट्स और डॉग्स कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, उनका खाना पीना ह्यूमन से अलग कैसे है, और इनकरेज करिए लर्नर को जानवरों के प्रति सौम्य यानी कि जेंटल और दयालु होने के लिए। क्या आप ये जानते हैं कि डॉग्स की सेंस ऑफ स्मेल यानी कि सूंघने की शक्ति ह्यूमन से 40 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होती है। ऐसे और अमेजिंग फैक्ट्स के लिए हमारे रेली के एपिसोड्स देखें और हमें लिखें www.superbuddy.in पर। थैंक यू।